हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम नवरात्रों के बारे में बात करेंगे कि नवरात्रों में कलश स्थापना क्यों करते हैं, इस बार चैत्र नवरात्रि कब हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो भक्तों, नवरात्रि का पर्व आ रहा है और इस बार नवरात्रि 13 अप्रैल से शुरू होगी और समापन 22 अप्रैल गुरुवार को होगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को कलश स्थापना की जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कलश स्थापना क्यों की जाती है, नवरात्रि में कलश स्थापना के पीछे क्या वजह है, इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार किसी भी पूजा से पहले गणेश जी की आराधना की जाती है। कलश स्थापना से संबंधित हमारे पुराणों में एक मान्यता है जिसमें कलश को भगवान विष्णु का रूप माना गया है, इसलिए देवी की पूजा से पहले कलश का पूजन करते हैं। पूजा स्थान पर कलश की स्थापना से पहले उस जगह को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है और फिर पूजा की जाती है। कलश को 5 तरह के पत्तों से सजाया जाता है। कलश के नीचे जौ बोए जाते हैं। जौ बोने की विधि विधान दान देने वाली देवी अन्नपूर्णा को खुश करने के लिए किया जाता है। पूजा स्थल में एक और अखंड दीपक जलाया जाता है और कलश स्थापना करने के बाद गणेश जी की और माँ दुर्गा की आरती की जाती है और इसके साथ ही 9 दिनों का नवरात्रि का व्रत शुरू हो जाता है।